हम आज रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, आज हम आपको रक्षा बंधन की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भाई और बहन का नाता सबसे पवित्र होता है और रक्षा बंधन का त्योहार इस पवित्र रिश्ते को और भी गहरा कर देता है। प्रिय भक्तों, रक्षा बंधन पर बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसकी कुछ पौराणिक कथाएं हम आपको सुनाएंगे। और अनेकों बहनें रक्षा बंधन पर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं और हर व्रत की कथा अवश्य ही होती है, तो हम रक्षा बंधन की व्रत कथा सुनाएंगे। आइए भक्तों, पहले जानते हैं रक्षा बंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। एक बार जब दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ, लगातार 12 वर्षों तक चलता जो रहा था। अंत में देवता हार गए और दानों विजयी हुए, स्वर्ग सिंहासन पर भी जाकर दैत्य ही बैठ गए। इंद्र देव और अन्य देवता अमरावती चले आए, देव गुरु बृहस्पति जहाँ पे उनको है मिल जाए। गुरु बृहस्पति के चरणों में सबने शीश झुकाया, देवासुर संग्राम का सारा ही वृतांत बताया और कहने लगे, स्वर्ग सिंहासन वापस चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्त जनों, देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति से कहते हैं, दैत्यों ने हमें परास्त करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लिया और कहा कि देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं, तथा मनुष्य भी देवताओं को छोड़कर हमारी पूजा करें, वेद पठन पाठन और यज्ञ कोई भी नहीं करें। हे गुरुवर, यदि यज्ञ हवन और वेद पाठ समाप्त हो गए तो हमारी शक्ति और भी छीण हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध में टिक सकता हूँ। प्रिय भक्तों, इंद्रदेव की वेदना सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न करो। एन बद्ध्यो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम भीव धनामी रक्षे माचल माचल। प्रिय भक्तों, देव गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से सभी दैत्य परास्त हुए और देवताओं की जीत हुई। सर्वप्रथम इंद्राणी ने ही इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा था। राजा बलि से भी हो गई थी जब देवों की हार, विष्णु जी ने स्वयं लिया है तब वामन अवतार।
और तीन पग भूमि दान में उनसे मांगी है। राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक जो के दे दी है। एक ही पग से उन्होंने तो धरती को नाप दिया और दूसरे पग अंबर भी है तो नाप दिया। बोले तीसरा पग मैं अपना राजन रखूं कहां। राजा बलि ने उनके आगे शीश है झुका दिया। सर पर रख कर पांव उन्हें पाताल पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, जब वामन अवतार में विष्णु जी एक पांव से धरती और दूसरे से आकाश नाप दिया तो राजा बलि ने तीसरा पग रखने के लिए भगवान विष्णु के आगे शीश झुका दिया और कहने लगे, हे प्रभु, आप तीसरा पांव मेरे शीश पर रख दीजिए। इससे भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और तीसरा पांव उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। क्योंकि राजा बलि से विष्णु जी प्रसन्न हो गए थे और वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा बलि ने वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, आपको भी मेरे साथ पाताल में निवास करना होगा। विष्णु जी उन्हें वरदान देने का वचन दे चुके थे। अपने वचना अनुसार उन्हें राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाना पड़ा। राजा बलि के साथ हरि जो है पाताल में आए। विष्णु जी के बिन माँ लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो जाए। मुनि नारद फिर एक दिन आए माँ लक्ष्मी के पास। लगे पूछने, हे माता क्यों लगती आप उदास। बोली माता, विष्णु जी वचनों में बंध गए हैं, पाताल लोक में राजा बलि के साथ चले गए हैं। ये ही है मुनि नारद मेरी चिंता का कारण। बोले मुनि नारद, हे माता इसका एक निवारण। भाई बना लो राजा बलि को, उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे माता, इसका एक ही निवारण है। आप राजा बलि को भाई बना लो और उन्हें राखी बांध दो। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वो एक गरीब बुढ़िया का भेष बनाकर राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। राजा बलि ने जब उस बुढ़िया को उपहार देना चाहा तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। राजा बलि वचन दे देते हैं कि जो चाहो मांग सकती हो। ये राजा बलि का वचन है, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित उपहार दूंगा। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई और विष्णु जी को मांग लिया। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोले, हे माता, अभी तो श्री हरि योग निद्रा में है। देव उठावनी एकादशी को मैं इन्हें आपके पास भेज दूंगा। प्रिय भक्तों, अपने इस वचन के कारण श्री हरि विष्णु जी 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं रक्षा बंधन की एक और पौराणिक कथा। शिशुपाल का किया था वध जब भक्तों श्री कृष्णा ने।
श्री कृष्णा की उंगली से भी रक्त लगा था बहने, रक्त बह रहा उंगली से जब द्रौपदी ने देखा है, अपना आंचल फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया है। श्री कृष्णा तब बोले, भाई का फर्ज निभाऊंगा, सहस्त्र गुणा आंचल इसके बदले लौटाऊंगा। भरी सभा में चीर हरण जब द्रौपदी का हुआ है, श्री कृष्णा ने दिया वचन वो फर्ज निभाया है। होने लगा जो चीर हरण श्री कृष्ण बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, रक्षाबंधन का यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन की यह ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, इसके बाद से यह त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट को उस समय राखी भेजी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस दौरान रानी का बेटा चित्तौड़ की गाड़ी संभाल रहा था, किंतु उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि वह रियासत की सुरक्षा कर सके। ऐसे में मदद की उम्मीद से रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, जिससे सम्राट ने कबूल कर उसकी मदद की। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। किंतु हुमायूं सेना लेकर जब तक पहुंचा है, बहादुर शाह ने तो चित्तौड़ को तब तक जीत लिया है, पर रानी कर्णावती उसके हाथ नहीं आई। कूद पड़ी जलती अग्नि में अपनी जान गंवाई। हुमायूं ने जब जाना तो उसे क्रोध बड़ा आया, बहादुर शाह की सेना को फिर उसने सबक सिखाया। दोनों ओर से युद्ध हुआ है फिर तो बड़ा घमासान, किंतु बहन के राखी का सम्राट ने रख लिया मान। बहादुर शाह को वो चित्तौड़ से मार भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, क्योंकि रास्ता लंबा होने की वजह से हुमायूं समय से तो चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंच पाया। रानी कर्णावती तब तक अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। इतना जानकर हुमायूं तो आग बबूला हो गया और बहादुर शाह की सेना को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया, और चित्तौड़गढ़ का राज रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को सौंप दिया। इस तरह भाई बहन का यह रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। प्रिय भक्तों, आज भी रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर हर भाई अपनी बहन को घर बुलाता है और यथासंभव उपहार देता है। प्रिय भक्तजनों, रक्षाबंधन के अवसर पर अनेकों बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखती हैं। अब हम आपको रक्षाबंधन की व्रत कथा सुनाते हैं।
किसी गांव में एक बुढ़िया रहती पोते के साथ, बेटे बहू की मृत्यु हो गई क्योंकि अकस्मात। रह गई थी इकलौती पोती जिसका चंदा नाम, निर्धन बुढ़िया जाकर करती दूसरों के घर का, और जंगल से काट काट के लकड़ियां लाती है, भरती पेट पोती का और फिर खुद भी खाती है। जैसे तैसे पेट रही थी पोती का वो पान, पर बुढ़िया ने रखा था घर में लड्डू गोपाल। सुबह शाम भक्ति करके दिन बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, वो बुढ़िया अपनी पोती चंदा के साथ रहती, वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और लोगों के घर में काम करके थोड़ा बहुत अनाज और पैसा मिलता, उसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। बुढ़िया ने झोपड़ी में लड्डू गोपाल रखा हुआ था, जैसा भी रूखा सूखा भोजन बनाती पहले अपने लड्डू गोपाल को अवश्य भोग लगाती थी। एक दिन उसकी पोती चंदा उससे पूछने लगी, दादी दादी मेरा भाई क्यों नहीं है? गांव की सब लड़कियों के भाई हैं, जब मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो मैं ही अकेली होती हूँ, नहीं तो बहनों के साथ उनके भाई भी खेलने के लिए आते हैं। बुढ़िया ने अपनी पोती का मन रखने के लिए कह दिया, कौन कहता है तेरा भाई नहीं है, ये है ना लड्डू गोपाल। तो चंदा कहने लगी, लेकिन ये तो प्रतिमा है, यदि ये मेरे भाई की प्रतिमा है तो वो कभी घर क्यों नहीं आता, मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? मासूम चंदा की बातों को सुनकर बुढ़िया ने कहा, भाई तेरा तो बेटी दूर जंगल में रहता है, अपनी झोपड़ी में लेकिन वो नहीं आ सकता है। दादी की बातों को सुनकर कहने लगी चंदा, क्या जंगल में उसको अकेले डर भी नहीं लगता? चलो दादी अपने भाई को घर में लाएंगे, रूठ के जो वो चला गया हम उसे मनाएंगे, अपनी सारी सखियों से उसको मिलवाऊंगी, मेरा भी भाई है सबको मैं ये बताऊंगी। चंदा थी मासूम, करती मासूम ही बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, चंदा ने बुढ़िया के कहने पर लड्डू गोपाल को अपना भाई मान लिया और कहने लगे, चलो दादी भाई को जंगल से लेकर आएंगे। मासूम चंदा की बातें सुनकर बुढ़िया उसे टालती हुई कहने लगी, बेटी मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, फिर किसी दिन चलेंगे। उस समय तो चंदा मान गई, लेकिन वो रोज लड्डू गोपाल के पास जाकर कहती, भैया घर आ जाओ, तुम घर क्यों नहीं आते? सभी बहनों के भाई उनके साथ रहते हैं, तुम क्यों जंगल में रहते हो? चंदा ने लड्डू गोपाल को ही है भाई बनाया, एक बार जब राखी का त्योहार है भक्तों आया, उसकी सारी सखियां लगी बाजार से राखी लाने, चंदा ने भी अपनी दादी से कुछ पैसे मांगे,
बोली मैं भी राखी का त्योहार मनाऊंगी, दे दो पैसे दादी राखी मैं भी लाऊंगी। पैसे लेकर दादी से उसने ली राखी है, नंगे पांव फिर जंगल की तो और वो चलती है। नन्हे नन्हे पांव में चुभ जाते कांटे हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, चंदा तो अपनी दादी के कहने से सचमुच लड्डू गोपाल को अपना भाई समझने लगी थी, और वो समझ रही थी कि मेरा भाई जंगल में ही रहता है। 8 साल की मासूम चंदा कहाँ जानती थी कि दादी ने उनका मन रखने के लिए यह सब कह दिया है, किंतु वो राखी लेकर नंगे पांव ही जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसके नन्हे नन्हे पांव काटे चुभकर घायल हो गए। प्रिय भक्तों, चंदा अपने घावों की परवाह किए बिना भाई भाई कहकर जंगल में बढ़ती जा रही थी। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, और चंदा सच्चे मन से लड्डू गोपाल को पुकार रही थी, तो भगवान क्यों ना चंदा की पुकार सुनते। कहते हैं कि जितने कांटे चंदा के पांव में लगे, उतनी ही पीड़ा भगवान श्री कृष्ण को हो रही थी। अंत में चंदा भाई भाई करते हुए बेहोश हो गई, और उसके पांव से अत्यधिक खून बहने लगा। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से बच्ची की पीड़ा देखी ना गई, और उन्होंने 10-12 साल के एक बालक का रूप बनाया। पहले चंदा के पांव के सारे कांटे अपने हाथ से निकाले, और घावों के ऊपर हाथ फेरते ही चंदा की सारी पीड़ा दूर हो गई, तो वो होश में आ गई। तब बालक बने भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, किंतु तुम इतनी दूर जंगल में क्यों आ गई। उनकी बात सुनकर चंदा कहने लगी, कैसे नहीं मैं भैया बोलो जंगल में आती, आज है रक्षा बंधन तुमको बांधनी थी राखी। सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते, रोज पूछती हूँ दादी से तुम क्यों घर नहीं आते। कहने लगा भाई जंगल में लगता है मेरा मन, भूल गया था चंदा मैं तो आज है रक्षा बंधन। श्री कृष्ण ने आगे कर दी फिर तो अपनी कलाई, भाई बन कर के चंदा का राखी बंधवाई। शाम को घर आऊंगा ये कह कर चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्णा ने बालक बनकर चंदा से राखी बंधवाई, और कहने लगे कि चंदा अब तुम घर जाओ, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी। चंदा कहने लगी, भैया आप भी घर चलो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं शाम को आ जाऊंगा, तुम चली जाओ। अपने भाई की बात मानकर चंदा घर की ओर चल दी। इधर जब चंदा लौट कर नहीं आई थी, तो उसकी दादी बड़ी ही चिंतित थी। जब चंदा को आते हुए देखा तो दौड़कर छाती से लिपटा लिया, और कहने लगी, तुम कहाँ थी मेरी बच्ची, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब चंदा अपनी दादी से सारी कहानी सुनाई, और बोली, आज मैंने जंगल में अपने भाई को खोज लिया, और मैं उसे राखी भी बांध कर आई हूँ। भैया शाम को घर आएंगे।
बुढ़िया सोचने लगी, किसी अनजान बालक को भाई समझकर चंदा राखी बांध कर आ गई। फिर दोनों दादी पोती जैसे ही झोपड़ी में आए, चंदा ने देखा जो राखी उसने अपने भाई को बांधी थी, वही राखी लड्डू गोपाल के हाथ में बंधी हुई थी। इतना देखकर चंदा कहने लगी, ये राखी तो मैंने अपने भाई को बांधी थी। बुढ़िया समझ गई कि चंदा की मासूम भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्णा स्वयं राखी बंधवा कर चले गए। बुढ़िया और चंदा लड्डू गोपाल से लिपट कर रो पड़े। भाव के भूखे होते हैं सदा भक्तों ये भगवान, सच्चे मन से चंदा ने उन्हें भाई लिया थमा। तभी तो राखी बंधवाने के लिए स्वयं आए, चले आते हैं सदा भगवान जो भाव से कोई बुलाए। रक्षा बंधन व्रत की भक्तों पावन कथा यही है, करती व्रत जो बहन कथा यही तो सुनती है। दियस पालन रक्षा बंधन कथा का कर दिया वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रलहन। फौजी सुरेश के शब्द है जो भक्तों को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं,